बोलिए सदगुरुदेव की जय। 15वीं शताब्दी के पहले अगर हम शास्त्रों का मंथन करें, अध्ययन करें, तो पाते हैं सतलोक का जिक्र कहीं भी नहीं है और नाम की महिमा कहीं भी नहीं है। इसमें दो राय नहीं है। वर्तमान में नाना मत मतांतर सब सुलोक की बात कर रहे हैं और नाम की महिमा कर रहे हैं। इसके प्रवर्तक और कोई नहीं साहेब थे, उनके शब्दों में कई जगह उस लोक का वर्णन आता है। देखिए शब्द में भी आ रहा है, चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस का रूप सदगुरु बनाई। ये क्या माल क्या माज रहा है, क्या बोल रहा है? चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस का रूप सदगुरु बनाई। हाँ, कौन सा रूप बनाया हंस का? जब भी उस लोक का जाने का वो होता है, उस समय ये बॉडी नहीं होगी। इसका तो एक प्रमाण मिलता है, जब भी कोई आदमी देहावसन करता है तो हम सब एक बात कहते हैं कि यमदूत इसकी आत्मा को पकड़ कर ले गए। यमदूतों में इतनी ताकत है कि आत्मा तक उनकी पहुंच है, फिर तो यमदूत तो बहुत बड़े हैं। यमदूतों की आत्मा तक पहुंच नहीं, वो प्राणों को पकड़ते हैं। और प्राणेन धरते जीवेशु, आत्मा प्राणों में समाई हुई है, वो प्राणों को खींच लेते हैं। आप हम सब कहते भी हैं कि भैया इसके प्राण निकाल के ले गया यमदूत, इस तरह। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं आप साहब। चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस का रूप सदगुरु बनाई। भ्रंग जो कीट को पलट भ्रंगी करे, आप संग रंग दे ले उड़ाई। भ्रंग जो कीट को पलट भ्रंगी करे, एक अनूठा कीट है भ्रंगा, 27 लाख क्रिम कोटि है, उसमें सबसे निराला उनका राजा है भ्रंगा। जैसे पक्षियों का राजा है बाज, जानवरों का राजा है शेर, पर शेर चतुर है। शेर 10-12 प्राणियों से बहुत डरता है, उनसे जल्दी हमला नहीं करता। गेंडा, अजगर, मगरमच्छ, सुअर, हाथी, वन मानुष, जिराफ, इस तरह के कुछ जीव हैं, उसको जबरदस्त टक्कर देते हैं। इस तरह इस धरती का राजा मानव है। 27 लाख कीट पतंग उनका राजा भ्रंगा है, उसकी फीमेल नहीं है। साहब भी कह रहे हैं भ्रंग मता होय जय पासा, सोई गुरु सत्य धनदासा। भ्रंगा किसी भी कीड़े को पकड़कर उसका वर्ण बदल कर अपने समान कर देता है। क्या बात है, क्या जबरदस्त टेक्नोलॉजी है उसके पास। साहब कह रहे हैं भ्रंग जो कीट को पलट भ्रंगा करे, आप संग रंग ले उड़ाई, अपने साथ लेकर चलते हैं। छोड़ नासुद मलकृत को पहुंचिया, विष्णु की ठाकुरी देख जाए। इंद्र कुबेर जहां रंभ को नित्य है, देव 33 कोटि रहा है।
लोक लोकांतर 10 मुकामों का सफर करते हुए 20 से निकलते हैं और 7 आकाशों का सफर होता है। इसका उल्लेख तो हजरत मोहम्मद के मेहराज में भी आता है। छोड़ वैकुंठ को हंस आगे चला, शून्य में जोत जगमग गई। शून्य में पहुंचता है, शून्य में 4 करोड़ सूर्य का प्रकाश है। आप सोचे, इसलिए लोग निराकार निरंजन को प्रकाशमय ज्योतिमय परमात्मा कहते हैं। ज्योति प्रकाश में निरखने तत्व को आप निर्भय हुआ भय मिटाई। अलग निर्गुण जय वेद अस्तुत करे, तीनों देव का है पिताई। वहां पर निरंजन का वास है, वो राजधानी है उसकी। भगवान तिनके परे श्वेत मूरत धरे, भक् को आन तिनको रहाई। 4 मुकाम पर खंड सोरे कहे, अंड को छोड़ तिराहाई। अंड के परे स्थान अचिंत का नरक हंस जब वहां जाई। सहस और द्वादश रूह है संग में, करत कलोल अनहद बजाई। अचिंत लोक में पहुंचते हैं। महल कंचन बने, मणिकता में जड़े, बैठ कर कलश अखंड छाजे। ऐसे महल नहीं है, अलंकार में बता रहे हैं। अचिंत के परे स्थान सोहंग का, इसलिए सोहंग वाले वहां की बात कर रहे हैं। नूर का महल और नूर की भूमि है, तहां आनंद सो धुंध बाजे। करत कलोल बहुभांत से संग, यक हंस सोहंग में जाए समाये। हंस जब जात है खट चक्र को भेद के, 7 मुकाम में नजर हेरा। सोहंग से परे सुरत इच्छा कही, सहस वामन जहां हंस हेरा। उसके बाद इसलिए शास्त्रों में 14 लोक का वर्णन है और साहब ने 21 लोक का वर्णन किया। आप सुने, शून्य के परे महाशून्य है, उस महाशून्य में भी 7 लोक है, उनका वर्णन कर रहे हैं साहब। सूरत से भेंट के टेक चढ़ देख मुकाम अंकुर के राम, अंकुर पुरुष के पास। शून्य के बीच में विमल बैठक जहां स्थान सहज स्थान है गैप के रा। नवो मुकाम ये हंस से पहुंचिया, पलक विलंब हो क्यों डेरा। तहें ते डोर मकरतार जो लागिया, तहें चढ़ हंस गए दे दरेरा। मकरतार के भेद को जानत सन सुजान। तहें चढ़ हंस गए दे दरेरा, भय आनंद से फंद सब छोड़िया, पहुंचा जाए सतलोक मेरा। यहां का उल्लेख कोई भी नहीं किया है। हम वासी उस देश के जहां जात वर्ण कुल ना है, शब्द मिलावन होते हैं पर अंग मिलावन ना है। पुरुष ने दर्श जब दीने हो हंस को, तपन भव जन्म की तवे नशाए। जीव होए सम्मुख में जब ही, कोटि जन्म अगनाशों तब ही। रामायण में बाप के दीप पीयूष भोजन करें, शक्ति देह जब हंस पाई। अब यहां शब्द की देह बोल रहे हैं, इस तथ्य को लोग नहीं समझ पाते, बोलते शब्द की देह कैसी है।
सुन सो हंस तय जूत के जूत है एक ही नूर यक रंग लागे। यक लोक सभी है न खुदा वंद न बंदा उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा। जिस लोक हमेशा को परम हंस से दाए चल हंस चल मोल तो मावाए हमारे। कर्म और भर्म सब दूर भागे रंक और भूख कोई परख आवे नहीं करत कलोल बो भांत भागे। काम और क्रोध मद लोभ अभिमान सब छोड़ पाखंड सत शब्द लागे। मरहमी हो सो जाने संतो ऐसा देश हमारा है। इस शब्द में भी साहब ने उस देश का बहुत सुंदर निरूपण किया है। पुरुष के बदन की कहो कौन महिमा कहूं अब क्या बदन है उनको नहीं नहीं जगत में अपमा कछ ना है पाई। चंद्र और सूर्यगण ज्योति लागे नहीं एक ही नख प्रकाश भाई। इस प्रकार से बहुत अनूठा देश है। अरुण लोग उसको कहा तहा नहीं पड़ रहे की छाया। बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं वहां की साहब। जहां मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है पवन न पानी गगन आकाशा वहां ये नहीं है। जहवा से हंसा आया अमर है वो लोकवा पानी नहीं पवना नहीं धरती और अकशवा। शेख नहीं सैयद नहीं मुगल और पठनमा ऐसे हजारों शब्द हैं जिन शब्दों ने साहब ने उस सतलोक का वर्णन किया है। काल का जाल तह नहीं न माया है न प्रकृति है न जन्म है न मरण है। वहां की आत्मा अगर आत्म तत्व है तो उसका कोई अभिष्ट तो होगा ही होगा। इस प्रकार से साहब ने अपनी वाणियों में अनेकों जगहों पर वहां का वर्णन किया है। अबदू बेगम देश हमारा है। वेद कितेब पार नहीं पावत कहन सुनन से न्यारा है। वेद कितेब कुरान आदि भी बोला पार नहीं पावत कहन सुनन से न्यारा है। जो पहुंचा जानेगा वाही कहन सुनन से न्यारा है। मैंने एक उदाहरण कई बार दिया है ये आत्मा जानती है। वहां जाकर यूं नहीं लगता है कि यहां पहली बार आए लगता हो हम तो यहां रहते थे। जैसे इंसान स्वप्न में खो जाता है कई जगहों का भ्रमण करता रहता है उस अवस्था में वो सब सत्य प्रतीत होते हैं। नींद खुलने के बाद उनका अस्तित्व तो नहीं होता। इसी प्रकार वहां पहुंचने के बाद ये संसार का भी अस्तित्व तो नहीं है। तो बंधु ये आत्मा इतने आनंद कुंड में रहने वाली और यहां फंसी है। जीवड़ा तू तो सबल था अटपट तेरी चाल रंग कुरंग ते रंग लिया अब क्यों फिरत बेहाल। इस प्रकार से वहां कोई भी आदमी अपनी शक्ति से नहीं जा सकता। तभी तो साहब एक वाणी में कहें जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और शेष कहे कबीर सो पाइए कर सतगुरु की सेवा। अर्थात नाम के बिना आदमी किसी भी प्रकार में सक्षम नहीं अंदर की दुनिया में। ये एक अकट्य सिद्धांत है। स्वप्न तो नींद के पटल पर ही मिलेगा।
और अंधकार की निवृत्ति प्रकाश से ही होगी, पिपासा की निवृत्ति जल से होगी। इस प्रकार नाम से एक अद्भुत ताकत आदमी में आती है, फिर ये संसार स्वप्नवत मिलने लगता है, एक इतनी चेतना आ जाती है अंदर में। नाम बिना पापी सो कहिए, नाम बिना मूर्ख सो लहिए, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। अब यहाँ एक प्रश्न उठा, आखिर ये नाम क्या चीज है? आप देखते हैं प्रकाश एक अनूठी चीज है जो अंधकार का आच्छादन करता है। इस प्रकार नाम अंतःकरण को प्रकाशित करता है। जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे बने रवि रजनी ठाम। इस तरह वो सुमरण की इतनी अद्भुत ताकत है जो हृदय को प्रकाशित करती है। जब हृदय प्रकाशित होता है तो अंतःकरण में मत्सर विसरण करने वाले सभी मत्सर ठीक ठीक से समझ में आते हैं, तो बचता है आदमी उनसे, मन की प्रक्रियाएं कंट्रोल्ड हो जाती है। कितने स्पष्ट संदेश दे रहे हैं साहब, मन है निरंजन सब है नचाई, सबको नचा रहे हैं, पर नाम हो तो मात न भाई। कुछ चीजें तो आप अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात आप समझ रहे होंगे। नाम के बाद आप में अमूल चूक परिवर्तन आया, सभी चीजें आपके अनुकूल होती जा रही है। अगर नाम के बाद सबसे बड़ी चीज आपको ये मिली है तो वो ये है, जगत के पदार्थों के प्रति आसक्ति खत्म हो गई। ये जगत के पदार्थों के प्रति आसक्ति कैसी है कि अभी उनका खिंचाव कम हो गया, ये खींचते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण होना प्रारंभ हो जाएगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार कंट्रोल में आएंगे, ऊंच वही जो नाम है जाना, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच पकाना। नाम के बिना आदमी कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता है, नाम के बिना हृदय कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। चाहे कोई करोड़ों तप कर ले, करोड़ों प्रयास करे, बची हो एक उपाय, बचने का मात्र एक ही उपाय है, सार नाम को पाए। अगर संत काल के उन 32 महापुरुषों की वाणी को आप अध्ययन करेंगे तो आप एक चीज पाएंगे, उन सभी ने एक मत से तीन चार चीजों को स्थापित किया। पहला पूर्ण गुरु को, नाम को, उस देश को, उस देश का जिक्र बाकी कहीं भी नहीं है। मरहमी हुए सो जाने संतों, ऐसा देश हमारा है। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है साहब, एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, इनके भजन दोहे सोरठे छंद ये चीज दी। इसलिए कबीर साहब को पता है लोग क्या कहते, आदि कवि साहब से पहले श्लोक थे, मंत्र थे, ऋचाएं थी। साहब ने चौपाइयां, दोहे, छंद, सोरठे, भजन और रमेनियां दी। आप ध्यान देना,
अगर आप देखें अकबर के नौ रत्नों में रहीम भी एक रत्न था। रहीम के दोहों और शैली को देखेंगे तो कबीर साहब अंदर झलक पड़ेगा। आज भी नाना पंथ मत मतांतर साहब की आइडियोलॉजी लेकर के डब्बा पीट रहे हैं, वास्तविकता यह है कि उनको उस देश का अनुभव नहीं है। बिन देखे उस देश की बात करे तो कूल आप तो खारी खात है बेचत प्रे कपूर। इस प्रकार से उन 32 संतों को अगर उनकी वाणी का मंथन करेंगे तो एक चीज सामने आएगी, साहब निकल आएंगे। जैसे घी को मथेंगे ना दूध को तो घी ही निकलेगा। इसलिए उन सब ने वही बात नाना मत चले। वर्तमान में भी आप देखो जितने भी अध्यात्म संस्थाएं हैं, आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, वो सब तो साहब की आइडियोलॉजी लिए है। आध्यात्मिक को छोड़ो, सर्गुण निर्गुण में भी देखो, एक तरफ तो लोग साहब की उपासना पद्धति से परहेज करते हैं, एक तरफ उनके भजन चल रहे हैं, उनके गीत चल रहे हैं। पर यहां साहब ने बोल दी एक बात बड़ी साहब था, कबीर का गाया गाएगा तीन लोक में मार खाएगा, कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। इस तरह से अब देखिए दादू दयाल जी कह रहे हैं जपो रे हंसा केवल नाम कबीर। बन्नो अगर उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया तो तीन चार चीजों पर, गुरु पर, नाम पर, परम पुरुष पर दिया है। नाम की महिमा अनंत कह दिया, साथ में सतर्क और चेतावनी की वाणी भी कह दी। कोटि नाम संसार में एक दो नहीं करोड़ों, तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बड़ला कोई, वो मूल नाम पोथियों में नहीं मिल सकता, सहस्त्र नामों में भी नहीं है। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बढ़ला जाना, वो कहा न जाए लिखा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना पर। साथ में साहब और क्या बोल रहे हैं, गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा कर जाए। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा कर जाए। तो इस तरह बनो, नाम की महिमा, गुरु की महिमा, उस देश की महिमा साहब की वाणी में अनेकों स्थल पर मिलती है। धन्यवाद, कल फिर हाजिर हो जाऊंगा साहब।